यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब यूपी के अमरोहा में पुलिस ने मेहंदी नाम के इस शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें अमरोहा के सैद नगली थाना क्षेत्र की हैं। पुलिस यहां वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी उन्हें मेहंदी और इसका एक साथी बाइक पर जाते दिखाई दिए। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों बदमाश बाइक छोड़ इन खेतों की ओर भाग निकले और छिपकर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश मेहंदी घायल हो गया, जबकि इसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ है। पर दो व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए गए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। एसओ सैद नगली द्वारा उन्हें हाथ दिया गया, रोकने का प्रयास किया गया। जब वो नहीं रुके तो उनका पीछा किया गया, वो वापस मुड़ के भागे। इधर जो जितने पीआरवीज हैं और हमारी मोटरसाइकिल मोबाइल हैं और इंस्पेक्टर हसनपुर मोबाइल, इन्हें सबको बताया गया और इनकी घेराबंदी की गई। तो ये करमपुर माफी से इस रोड पर, अंदर जंगल की रोड पर मुड़ा और वहाँ पर इसके द्वारा फायरिंग की गई पुलिस पार्टी पर। पुलिस पार्टी द्वारा काउंटर फायरिंग की गई और ये जो खेत है उसकी ढांग पर नीचे की तरफ को मोटरसाइकिल से गिर गया और इसका दूसरा साथी दोनों को दोनों गिरे और एक बदमाश के इसमें गोली लगी और दूसरा बदमाश अंदर की तरफ को, जो खेत है उसमें अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर की तरफ को चला गया। जो घायल बदमाश है, इस दौरान एक सिपाही के भी गोली लगी है। घायल बदमाश एक शातिर बदमाश के रूप में इसकी पहचान हुई है, जिस पर लगभग 20 से 25 के बीच में मुकदमे हैं, अभी और कलेक्शन किया जा रहा है। और ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है उसका मुखिया भी है, जब्बार गांव का रहने वाला है और इसका नाम मेहंदी हसन है और इसे कालिया के नाम से भी पुकारा जाता है। ये नौगावा सादात क्षेत्र का रहने वाला है और सभी गंभीर धाराओं के केस इस पर हैं। आपको बता दें कि मेहंदी पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इस शातिर बदमाश को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। वीडियो डेस्क अमरोहा।